साल 2014 में रानी मुखर्जी और YRF ने साथ में मिलकर फीमेल कॉप फिल्म मर्दानी रिलीज की थी। इस फिल्म में रानी मुखर्जी का दबंग स्टाइल हर किसी को बहुत पसंद आया। फिल्म में रानी मुखर्जी ने शिवानी शिवाजी रॉय की भूमिका निभाई। इस फिल्म के रिलीज के 5 साल बाद YRF ने मर्दानी 2 रिलीज की। इसमें भी रानी का किरदार हर किसी को बहुत भा गया। अब YRF ने फिल्म के तीसरे पार्ट का ऐलान कर दिया है। रानी मुखर्जी की मर्दानी के 10 साल पूरे होने पर यशराज फिल्म्स ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए मर्दानी के अगले चैप्टर का ऐलान कर दिया। वीडियो में मर्दानी और मर्दानी 2 की झलकियाँ दिखाई गई। वीडियो के आखिर में मर्दानी 3 का ऐलान भी किया गया। मर्दानी 3 के ऐलान से फैंस बेहद खुश नजर आए। वीडियो के नीचे कमेंट्स करके लोग अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, बहुत जानदार मूवी थी। वहीं एक दूसरे ने लिखा कि ये एक ब्लॉकबस्टर मूवी होगी भाई। वहीं एक और ने ये लिख दिया कि मर्दानी जैसी और फिल्में भी बननी चाहिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक करीबी सूत्रों की माने तो रानी मुखर्जी साल 2025 की पहली तिमाही से मर्दानी की शूटिंग करने में लगी हैं। सूत्रों के मुताबिक रानी मुखर्जी और आदित्य चोपड़ा को मर्दानी फ्रेंचाइजी बहुत प्यारी है। दोनों पिछले कुछ समय से लेखकों की इन हाउस टीम के साथ स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं और आखिरकार उन्हें एक ऐसी स्क्रिप्ट मिल गई जो फिल्म के पार्ट 1 और 2 के साथ न्याय करेगी। राइटर्स की टीम फिलहाल स्क्रीन प्ले को फाइनल टच दे रही है। इसके बाद फिल्म प्री प्रोडक्शन स्टेज पर पहुंच जाएगी। राजस्थान के कोटा शहर में IPS शिवानी का तबादला होता है। शिवानी अपनी जाबाजी और दबंगी के बलबूते रेपिस्ट और कातिल को पकड़ने के लिए कटिबद्ध हैं। वह प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान करेंगी कि बलात्कारी को कॉलर से पकड़कर खींचते हुए से थाने लाऊंगी। रेपिस्ट मानसिक विकृति का शिकार है और महिलाओं के प्रति उसकी घृष्टता सोच उसके अहम को इस कदर चोट पहुंचाती है कि शिवानी को सबक सिखाने के लिए हिंसा और बलात्कार का सिलसिला जारी रखता है। इस दरिंदगी के खेल में उसके और शिवानी के बीच एक ऐसी जंग छिड़ जाती है जिसे शिवानी को हर हाल में जीतना ही। क्या शिवानी उस हैवान की हैवानियत खत्म करने में शहर को सुरक्षित कर पाएंगी? ये जानने के लिए आपको फिल्म पूरी देखनी पड़ेगी। राजस्थान के कोटा शहर में IPS शिवानी का तबादला होता है। जैसे वो शहर का चार संभालेंगी, उसका सम्मान एक दुर्दा बलात्कार और हत्या से होगा। कोटा वो शहर है जहाँ विद्यार्थी भविष्य के लिए उज्जवल सपने लेकर आता है। शिवानी अपनी चाबाजी और दबंगई के बलबूते पर रेपिस्ट और कातिल को पकड़ने के लिए कटिबद्ध होंगी और उसके बाद ये किस्सा ऐसे ही पूरा हो जाता है। अब आगे के पार्ट्स के लिए आप भी इंतज़ार करिए मर्दानी पार्ट 3 का। ऐसे ही देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।